मुंबई के आजाद मैदान में लाखों की तादाद में लोगों ने नागरिकता कानून NRC और NPR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस महामोर्चा में आम लोगों के साथ बॉलीवुड और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लाखों की भारी भीड़ को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस महामोर्चा में आने के लिए कई बसों का इंतजाम भी किया गया था, जिसकी वजह से आज लाखों लोगों की भीड़ मुंबई के आजाद मैदान में नजर आ रही है, जहां महिलाएं भी एक बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है। यहां बड़ी बात यह है कि भगवा झंडा जो आपको दिखाई दे रहा है, जो शिवसेना का है, और नीले रंग का झंडा जिस पर जय भीम लिखा हुआ है, और तिरंगा तो है ही, तो अलग अलग झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक भारी भीड़ दिखाई दे रही है। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट को। सरकार शशांक भाई, राज्य सरकार अब तक तहरीरी तौर पे मतलब लिखित रूप से कोई ऐसा कि रियासत में उसको लागू नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने लिखित रूप से अब तक नहीं दिया, मौखिक उन्होंने कहा है, तो क्या सरकार की मंशा इसे क्या समझी जाए? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो अब तक जो है लिखित में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं होती ना जी। मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा महाराष्ट्र सरकार से लिखी है, लेकिन सभी प्रोटेस्टर्स यही चाहते हैं कि अगर लिखित में वो दे दें कि NPR को आप स्वीकृति नहीं देंगे प्रदेश में, तो काफ़ी जो है लोगों की शंकाएँ जो डर है बहुत कम हो जाएगी। हम सभी जानते हैं NPR पहला कदम है NRC की तरफ। उम्मीद करता हूं कि जो नई सरकार है महाराष्ट्र में वो जरूर इस बात को सुनेगी। जामिया स्टूडेंट को बार बार जो टारगेट किया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। सारे स्टूडेंट्स और सारी महिलाएं उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे JNU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर भी वो लोग डटे हुए हैं इतनी हिम्मत के साथ, उन्हीं की वजह से आज हम लोग खड़े हैं। मालूम है एक सरकार जब पीछे हटने को तैयार नहीं होती या बर्बर हो जाती है तो बहुत सहना पड़ता है, दुख भी होता है कि हमारे बच्चों को इतना सहना पड़ रहा है, महिलाओं को, उनकी हिम्मत से हमारी हिम्मत। संदीप ये नहीं, एक सवाल हो गया। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में जो सर मुस्लिम औरतों को जो टारगेट किया गया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रवक्ता को आप क्या कहेंगे? मैंने वो खबर पढ़ी नहीं है, कल मैंने तमिलनाडु का पढ़ा था, वहाँ पर चेन्नई में कुछ जहाँ भी हो रहा है। मेरी सभी सरकारों से विनती है कि कहीं कोई वायलेंस नहीं हो रही है, प्रोटेस्टर्स कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, उन पर इस तरह करना ये गलत। सर एक सवाल आपसे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अरे यार गांव में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि NRC के खिलाफ है, महाराष्ट्र में उसको लेकर मैं इस पर नहीं कमेंट कर सकता, पूरा जो है भाषण नहीं पढ़ा है ना पूरा उनका जो कमेंट है वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सिर्फ व्यक्तिगत राय जाहिर कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ये सब बहुत बड़ा गलत है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ, प्रोटेस्टर्स की तरफ से बोल सकता हूँ कि हम सब CA के खिलाफ हैं, क्योंकि वो हमें लगता है संविधान के खिलाफ है, धर्म को बाहर रखना नागरिकता देने के लिए हमें गलत लगता है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, उसका इंतजार करेंगे, और उसके साथ NRC और NPR के खिलाफ, क्योंकि वो एक नाजायज़ एक्सरसाइज है जिसमें 2003 में वाजपेयी साहब की सरकार थी, उन्होंने एक सर्वे शुरू किया था, 2009 तक वो सर्वे हुआ था, कुछ 12-13 राज्यों में सर्वे किया गया था, 40 लाख लोगों का सर्वे किया गया था नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देने के लिए, तो उसमें पाया गया था कि सिर्फ 50% लोग अपनी नागरिकता साबित कर पाए, सिर्फ 50% लोग, और ये सरकार को बात मालूम है। उसके बाद NRC की जबरदस्ती